इस वक्त देश कोरोना से त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन शायद कोरोना का असर बिहार में नहीं है। लेकिन सरकार ने तो बिहार में कोरोना को लेकर नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, तो फिर पार्टी कैसे हो रही है? समझ तो गए होंगे आप कि मैं किस वीडियो की बात कर रही हूँ। जी हाँ, उसी वायरल वीडियो की जो इस कोरोना काल में शर्मसार कर रहा है। रुकिए, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं दिखाऊंगी, लेकिन आपको ये पूरा वाक्य समझना होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। दरअसल सरकार का मकसद है कि कैसे भी कोरोना के कहर को कम किया जाए, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बेमानी है और उन्हें तो अपने मन की ही करनी है, चाहे इसके लिए सरकारी गाइडलाइंस की धज्जियां ही क्यों ना उड़ानी पड़े। ताज़ा मामला बिहार से सामने आया है, जहां पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला ने खुलेआम पार्टी कर सरकार को अंगूठा दिखाया है। देखिए ये वीडियो। बताया जा रहा है कि पूर्व बाहुबली विधायक मुन्ना शुक्ला के भाई मानमर्दन शुक्ला मुजफ्फरपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर हैं। मानमर्दन के बेटे के जनेऊ उपनयन के उपलक्ष में आयोजित किया गया है ये पूरा कार्यक्रम। बताते हैं कि इसके लिए मुन्ना शुक्ला ने अपने पैतृक आवास लालगंज में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कराया था। शुक्रवार शाम में नाच गाने और पार्टी का आयोजन हुआ था। इस मौके पर भोजपुरी की सुपरस्टार कही जाने वाली अक्षरा सिंह को बुलाया गया था। इस दौरान रात भर पार्टी चली और जमकर नाच गाना हुआ, खूब ठुमके लगाए गए। इसमें खुद मुन्ना शुक्ला और उनकी पत्नी से लेकर कई लोगों ने जमकर नाच गाना किया। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के कोरोना गाइडलाइंस की ऐसी की तैसी होती दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि उनके सरकारी गनर भी उत्साह में आकर डांस करते हुए कार्बाइन से हर्ष फायरिंग करते दिख रहे हैं। खाकी वर्दी पहने बिहार पुलिस का ये जवान नाच गाने के बीच सरकारी गन से फायरिंग करता दिखा। इस पार्टी में सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर सारे कोरोना गाइडलाइंस की ऐसी की तैसी होती दिख रही है और किसी को जरा भी परवाह नहीं दिखी। यहाँ कोरोना के प्रोटोकॉल्स के तहत सामाजिक दूरी का तो कहीं नामो निशान नहीं दिखा, ना तो किसी के चेहरे पर मास्क नजर आ रहा था। वहीं भीड़ का आलम ये कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। इस मामले की अब जांच की बात कही जा रही है, लेकिन क्या हो जब समाज का जिम्मेदार व्यक्ति ये सब करे, सोचिएगा जरूर। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।